खरगोन के कसरावा थाने से हो रही देखरेख कैमरे की नजर से पूरा नगर सुरक्षित रहे, इसको लेकर थाना प्रभारी पुष्पकरण द्वारा कैमरे डीवीआर रेपरिंग कराकर चालू कराया जा रहा है। वहीं विजय स्तंभ चौराहा, छोटा नाका, राम मंदिर चौक, जामा मस्जिद चौक के कैमरे से चालू कराए गए हैं। वहीं पिछले कई महीनों से बंद पड़े हुए थे। सराफा व्यवसायी प्रदीप कुशवाहा का कहना है कि यहाँ पर कैमरे कम लगे हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कैमरा लगना अति आवश्यक है। सराफा बाजार में कीमती आभूषण रहते हैं तथा व्यापार किया जाता है, जिस कारण सराफा बाजार में कैमरा लगना अति आवश्यक है। बस स्टैंड के दुकानदार विजय वर्मा ने बताया कि यहाँ रात भर बसें खड़ी रहती हैं और दिन भर भी कई बसों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कि हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। बस स्टैंड पर कैमरा भी लगना अति आवश्यक है। वहीं मंडलेश्वर रोड पर कैमरे बंद हैं, जिसको चालू कराने के लिए भी नागरिकों ने मांग की है। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद है, क्या स्थिति, आप क्या स्थिति हो? मेरी पदस्थापना के बाद में कुछ समय तक सीसीटीवी कैमरे जो अपने कस्बे में लगे थे कुछ दिनों तक सही चले, उसके पश्चात ही अचानक खराब हो गए। जो मैकेनिक को हमने बुलाया था उसके द्वारा बताया गया कि सर इसमें डीवीआर थोड़ा सा कमजोर है, यदि आप डीवीआर चेंज कर सकते हो तो अपने थोड़ा सा अच्छा उसमें परफॉर्मेंस रहेगा। तो अभी जो हमारा धार्मिक पर्व गए हैं मुहर्रम और शिवडोला, इसके पूर्व हमने मैकेनिक को बुलाकर संपूर्ण जो कस्बे में कैमरे लगे हैं उनको ठीक करवाने के लिए नया डीवीआर हमने परचेस किया, और जहां जहां जो संवेदनशील स्थान है जैसे कि जय स्तंभ, सराफा और अपना राम मंदिर, जामा मस्जिद, यहां पर जो कैमरे बंद थे उनको हमने दुरुस्त करवा दिया है, अभी फिलहाल में चालू है। व्यापारी जो संघ है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कुछ बताया है कि जहां जहां स्थान छूट गए हैं वहां पर लगाने के लिए हम सहयोग राशि प्रदान करेंगे। कसरावा से यूडी न्यूज के लिए नईम शेख की रिपोर्ट।